चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। ये क्या कर रही हो तुम? क्या खा रही हो? नींद की गोलियां? क्या हुआ माँ, बड़ा परेशान बैठी हो? नीलम ने निकाल दिया मलिहा को? क्या पता क्या हुआ होगा। तूने कहाँ छोड़ा है वहां जाने की लायक हालत में मुझे? वो आ जाती थी तो कुछ सुनकर मिल जाती थी मुझको, तो जा भी नहीं सकती मैं वहाँ। अरे अम्मा, तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे बड़ी फिक्र है तुम्हें उसकी। हाँ अच्छा चल, मैं बात करता हूँ उससे। हेलो, बात करते हैं नीलम जी से। अब क्या है, क्यों फोन किया है मुझे? मुबारकबाद देने के लिए फोन किया जी आपको। अपनी सौतन को निकाल बाहर जो दिया है आपने। देखो, मैं जो चाहती हूँ हासिल करके ही रहती हूँ। काश आपकी चाहत के कुछ हिस्सेदार भी हो जाते। इसी हसद में मर जाओ। और हाँ, आइंदा बिला जरूरत मुझे फोन करके तंग करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अगर कोई काम हुआ तो मैं खुद फोन कर लूंगी तुम्हें। नौकरों वाली कर दी अम्मा हमारे साथ, इसने हमें तनख्वाह पे रखा हुआ है, अब जरूरत पड़ेगी तो खुद फोन करेगी। बड़ी घमंडी है, ऐसे ही बोलेगी। खैर तू दिल पे ना लिया कर उसकी बात को, एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया कर। मेरी एक प्रॉपर्टी एजेंट से बात हुई है, घर में काफी खामोशी है। क्या हुआ सालार और मलिया, जल्दी सो गए क्या? अमार मलिया सालार को लेकर चली गई। मेरे मना करने के बावजूद वो चले गई। अमार वो सुनती कब है किसी की, मैंने उसको बहुत रुकने की कोशिश की पर चली गई वो। अमर कहाँ जा रहे हो? मलिया को लेने, और कहाँ? रुक जाओ, मत जाओ, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। अमर उसको थोड़ा टाइम दो, जब हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब तुम उसको ले आना। मैं नहीं जानता कि इस घर को बेचने के प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा नीलम, और मैं ऐसे मलिया और सालार को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अमर तुम क्यों करती हो अपनी मनमानी? तुम नहीं करते, तुम मेरा मुकाबला करोगी? नहीं, लेकिन नीलम से हार नहीं मानूंगी। मलिया प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकालना और मसलेहत को समझो। मुझे प्लीज तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं पहले ही बहुत स्ट्रेस में हूं, मुझे प्लीज मजीद टेंशन मत दो। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कुछ कर रहा हूं हंसी खुशी कर रहा हूं? सिर्फ मेरा दिल जानता है जो मुझ पर बीत रही है। लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं मुझे, सिर्फ इसी वजह से सोचा कि खुद को इम्तिहान में डाल दूंगा और घर बदल दूंगा, लेकिन अपने खानदान की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। और यकीनन तुम भी ऐसा नहीं चाहोगी। मतलब प्लीज मेरी बात समझो और मेरे साथ चलो। हमारे नए घर प्लीज।
पता नहीं अमर, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ सेटल कैसे होंगे? नया घर है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो ही जाएंगे। अगर हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई मसला नहीं है। कैसे लगा नया घर? मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं मास्टर बेडरूम दूंगी। मुझे कोई इशू नहीं। तुम्हें अगर कोई इशू होता भी तब भी मैंने अपना इरादा नहीं बदलना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अमर, I'm sorry. मुझे गुस्सा आ गया था। Excuse me. इन दोनों की लव स्टोरी का डी एंड नहीं किया तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है इन पर और इनके अंदाज पर। तुमने इसका ये रवैया अभी देखा है ना? मेरे साथ तो इसका रवैया ऐसे ही है। चलो तुम ज्यादा सोचो मत, मुझे ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखाओगे। चलो नंबर बन जा रहा है उसका। क्या? अच्छा, कल तक तो इसका नंबर ऑन था। रात को भी बेल दी थी मैंने, बेल जा रही थी। तो रोज उसे बेल देता है? हाँ माँ, इसलिए बेल देता हूँ, कहीं इसका नंबर तो बंद नहीं है। ये चक्कर। अम्मा, नंबर वाकई बंद आ रहा है इसका। अब क्या करेगा तू? मैं क्या करूंगा माँ, घर जा उसके पता करो जाके। फोन क्यों बंद करके बैठी हुई है? और देखो कहीं मर मरा ना गई हो। इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है वो। चाहती हूँ, करती हूँ पता। हम डॉक्टर के पास चलें। डॉक्टर के पास? क्या हुआ इसको? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन अम्मा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अरे बीबी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, और तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं इस घर के नया मालिक मुलाजम हूँ। नया मालिक? और जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता दीदी। अरे कुछ तो पता होगा, मकान बेचा है तो कहीं और गए हुए, कुछ अता पता तो मालूम होगा तुझे। अरे मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जाएं और एजेंसी वाले से बात करेंगे। ये लोग कहाँ चले गए? क्या अम्मा, गजब हो गया? क्या हो गया, क्यों इतना घबराई हुई है आप? अरे वो नीलो घर छोड़ के चली गई। क्या, कहाँ जाएगी अम्मा नीलो? अपनी माँ के घर गई होगी, और उसने जाना कहाँ है? आ जाएगी दो चार दिन में, ले आएगा मार से। तू क्यों परेशान हो रही है इतना? तू यहाँ इतनी बेफिक्री से बैठा हुआ है? वो लोग सब घर छोड़ के चले गए, सारा सामान समेत घर बेच डाला उन्होंने। तभी तो कोई सामान गया नहीं, और किसी को कानो कान खबर ना हुई। फोन भी बंद किया हुआ है उसने।
बड़ी चलाक निकली ये नीलो तो, हमसे जान छुड़ाकर उड़नछू हो गई है ये। वो उड़नछू हो अम्मा या गायब हो जाए, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी तो बड़े हिसाब किताब बाकी है उसकी तरह। अब तू बैठा हिसाब किताब गिनता रहे, अब वो तेरे हाथ आने वाली नहीं। इतने बड़े शहर में कौन किसे मिला है? वो उड़नछू हो या गायब हो जाए अम्मा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तो बड़े हिसाब किताब बाकी है उसकी तरफ। और तू ये रोना धोना बंद कर, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को ले आ। ये सब कुछ करने के लिए और कुछ सोचना पड़ता है मुझे। अरे लाओ इसे मुझे दो। जी बीबी जी। क्या बात है सुखी, कुछ कहना चाहती हो? जी बीबी जी, वो बोलना तो है जी, पर डर लग रहा है कि आप बुरा ना मान जाएं। अरे नहीं मानूंगी मैं बुरा, क्या बात है? बीबी जी, आप और साहब जी को बच्चों से कितना प्यार है, तो फिर आपके बच्चे? अब बीबी जी, बीबी जी मुझे माफ कर दें, छोटा मुंह बड़ी बात, गलती हो गई थी, माफ कर दें बीबी जी। हमारी भी एक बेटी थी, बिल्कुल रानी की उम्र की, उसका एक बीमारी में इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ओ जी सब्र करें जी, अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन। ओ जी औरत के लिए इससे बड़ा अजाब और कोई नहीं कि वो बीवी तो बने पर माँ का सुख ना पा सके। बहुत बड़ा दुख है जी, बहुत बड़ा दुख तो बड़ा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिलाल मेरे साथ है। आप दोनों का साथ यूं ही कायम रहे, आपकी जोड़ी सलामत रखे मौला। आमीन। क्या हुआ, थक गए? नहीं ऐसी बात नहीं है, घर सेट कर लिया लेकिन फिर भी ये घर अजनबी अजनबी सा लग रहा है, ऐसे जैसे जैसे किसी के घर मेहमान आए। अरे एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। देखो मैं मानता हूं ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। नीलम के खातिर मैंने ये स्टेप उठा तो लिया, लेकिन सच बताऊं तो फिर अभी भी वहां उस घर में अटका हुआ। खैर जब हमारे बच्चे इस ग्राउंड में खेलेंगे तो उनकी खुशी को देखकर शायद हम वो घर खोल पाए। मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए, बिल्कुल मानो की तरह क्यूट सी। पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी। होगी भी कि नहीं? अम्मार ऐसे मत कहो, ये सोच के भी मेरा दिल कटता है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, कल तुम रेडी रहना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर के पास? क्या हुआ इसको, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन अम्मा ओके लगता है मलिहा मुझे नहीं बताना चाहती, ऐसा ही समझ लो।
हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उनके दरमियान रही तो ही ठीक है। हेलो, मैं ठीक कह रही हूँ अमार? तुम्हारे और नीलम के दरमियान भी तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी, मैंने तो कभी नहीं पूछी और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। क्या जरूरत है ये सारी बातें करने की? अमार, मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले, बस। देखा तुमने अमार, देखा वो किस तरह से बात कर रही थी मुझसे? हम लोग तो एक फैमिली हैं और फैमिली में बातें छुपाई नहीं जाती। मैं मानता हूँ कि फैमिली में बातें छुपाई नहीं जाती, मगर मियां बीवी की पर्सनल बातें भी बताई नहीं जाती। ओह, तो तुम इस बात में उसके साथ हो? नहीं, जो बात ठीक है मैं वो कर रही हूँ, और वैसे भी अगर कोई बात हो भी गई है तो उसे इग्नोर करो। यूं एक एक बात को लेके बैठोगी तो घर का सुकून खराब हो। घर का सुकून बनाने की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसीलिए तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। हाँ, मैं गुस्से में हूँ, मुझसे गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती, और उस मलिहा की बातें और उसका एटीट्यूड मुझे गुस्सा दिला रहा है। नीलम, तुम सिर्फ फील कर रही हो, क्योंकि मलिया भी वही है और उसका एटीट्यूड भी वही है। मतलब तुम्हें अभी भी मैं गलत लग रही हूँ? बात सही गलत की नहीं है नीलम, इतनी सी बात पे तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम शायद थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम सुबह बात करें। आज इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई तेरी? काम से जा रहा हूँ अम्मा। हाँ, कौन सा काम? कहीं नौकरी लग गई तेरी? तू अच्छी तरह जानती नौकरी वोकरी नहीं करता मैं, ना ही करना है मुझे। हाँ तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, कुछ सोचा है तूने? पहले तो नीलों की वजह से ऐश कर रहे थे हम, अब क्या होगा हमारा? ऐश तो अभी भी होंगे अम्मा, तू क्यों टेंशन लेती है, मैं कुछ कर लूंगी। कर ही ना ले तू कुछ, किसी काम का होता तू तो आज रोना किस बात का होता? करेगा काम, करेगा खर्च, करेगा खर्चा ना। यहाँ बैठ के अपने रोने धोने करती रहे, जा रहा हूँ मैं कुछ करने को। हाँ कर ही लेना कुछ। अरे दरवाजा बंद करके जाना, दरवाजा तक के तो बंद कर नहीं सकता, करेगा कुछ। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। ये क्या मुंह लटका के बैठी हुई है? अल्लाह का शुक्र अदा करो सफिया। मेरा वहां से आने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। वहां जाने के बाद किसका दिल चाहता वापस आने? पर क्या करें? आपने मार को बताया नहीं आने का? क्या जरूरत है रश लगाने की, जब वापस आ गए ना तो खुद ही मिल लेंगे जाके। सिर्फ देखना यह है कि हमारी दुआओं का असर हुआ है या नहीं नीलम, या अब भी वैसी की वैसी है। मैं आपके लिए चाय बना के ला।
आप जमजम और खजूर जो है मोहल्ले में दे देना। अब मैं कल ही बांटूंगी ये सारी चीजें। चलो ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। क्या बात है मतलब? देख रहा हूँ जब से हम डॉक्टर के पास से आए तुम्हारा मूड ऑफ है। डॉक्टर ने कहा है सब नॉर्मल है और बस अल्लाह के हुक्म की देर है। जानती हूँ अमर, लेकिन इस दिल को अभी मानों का इंतजार है। इंतजार भी वो जो ना जाने कब खत्म। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है अम्मा। जानता हूँ मुश्किल है, मगर हम अल्लाह की रजा के आगे कुछ नहीं कर सकते। मुझसे दुआ कर सकते। इब्राहिम अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। आप लोग आ रहे थे तो हमें बता देते, हम एयरपोर्ट लेने आ जाते। अरे क्या जरूरत थी बेटा, हम लोग जब खुद आ गए तो तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। फोन इसलिए किया था कि अगर तुम लोग बिजी ना हो तो हम लोग शाम को आ जाएंगे। जी बिल्कुल, आप लोगों का अपना ही घर है, बल्कि हम आपको लेने आ जाते हैं। नहीं नहीं बेटा, क्या जरूरत थी, हम लोग खुद ही आ जाएंगे। अब वो दरअसल अंकल हमने घर चेंज कर लिया। खैरियत, इतनी अचानक घर बदल लेना? बस ऐसे ही। खैर आप लोग तैयार रहिए, हम लोग आपको लेने आ रहे हैं। और अंकल एक और बात, प्लीज आप इसके बारे में नीलम को मत बताइएगा, उसे हम सरप्राइज देंगे। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके खुदा। इब्राहिम अंकल और सफी आंटी इमरे से वापस आ गए हैं, यहाँ आने का कह रहे थे। चलो हमें लेने जाना है। कम से कम एक फोन तो कर देती आने से पहले। अम्मा ने मुझे मना किया था फोन करने से, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। ओ, लेकिन आपको देखकर मैं कभी भी सरप्राइज नहीं हो सकती, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपका। खैर मुबारक। अल्लाह आपकी इबादत और आपका उम्रा दोनों कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं इब्राहिम अंकल से मिलूं। जाओ बेटा, तुम लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे आंटी रहने दें, जहमत ना करें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम लोग आओ और खाए पिए बगैर यहाँ से जाओ। आंटी हम कोई मेहमान थोड़ी हैं, मैं तो आपकी बेटी हूँ और बेटियाँ माओ को इस तरह काम नहीं करने देती। जीती रहो बेटा, आबाद रहो, खुश रहो। नीलो कैसी है, कुछ बदली वो? मेरा मतलब है कि कुछ सुधरी वो? सुधर जाएगी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अल्लाह करे वो सुधर जाए और जल्दी सुधर जाए। आप सलाम करने की तौफीक भी अल्लाह ने तुमसे छीन ली, जो इस तरह खड़ी हो तुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कम से कम एक फोन तो कर देती आने से पहले।
अम्मा ने मुझे मना किया था फोन करने से, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। ओ, तो मतलब अम्मार ने आपको बुलाकर मुझे सरप्राइज दिया है। लेकिन आपको देखकर मैं कभी भी सरप्राइज नहीं हो सकती, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं ना। जानती थी मैं, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि इतने अरसे में तुम में बदलाव आ गया होगा, शायद मुझे देखकर तुम्हें कोई खुशी हो। आपको देखकर खुश होंगी, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलो ये तो अच्छा है, आपको अपनी गलती का एहसास खुद ही हो गया। खैर ये बताएं, मेरा रूम कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा है। इतने बुरे दिल से कहा है अच्छा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर आप मेरी खुशियों में पहले ही कब खुश हुई जो आज हुई। ये बताओ घर बदलने की नौबत क्यों आई? मैंने अम्मार से कहा और उसने बदल दिया। अम्मार मेरी कोई बात नहीं टालता। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों। मुझे या मेरी खुशियों को आपकी दुआओं की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुशियां खुद तलाश कर लेती हूँ। ओह क्या हुआ, बुरी लगी आपको मेरी बात? हाँ बहुत बुरी लगी है। मेरी बातों और मेरी दुआओं की तुम्हें जरूरत नहीं है तो फिर क्यों रुकूं मैं तुम्हारे पास? मर्जी आपकी, मैं रोकूंगी नहीं आपको। मैं यहाँ पे अम्मार की खुशी के लिए आई थी, अब मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मर्जी आपकी। थक गया। क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ? वो सर में दर्द है तो शायद इस वजह से। और इस सर का दर्द यकीनन तुम्हारी बेटी ने दिया होगा। इसका मतलब मैं सही समझा, ऐसी औलाद के लिए क्या दिल दुखाना सफिया? क्या कोई औलाद माँ के साथ इतनी बदतमीजी कर सकती? अल्फाज नहीं, जूते थे जो उसने मेरे मुंह पे दे मारे थे, जो सीधे जाके दिल पर लगे। मैंने बहुत सब किया कि कहीं आह ना निकले, क्योंकि आह निकलती तो उसको लग जाती। आहों का निकलना जरूरी नहीं होता सफिया, दिल के मामलात, दिल के हाल अल्लाह जानता है। और जो माँ का दिल दुखाएगा ना उसका हिसाब अलग से हो। नहीं पहले इसके गुनाहों का बोझ बहुत सारा, मैं बोलूंगी तो और बढ़ जाएगा। माँ हूं मैं, मैंने उसे माफ कर दिया। तुमने माफ किया, उस रब ने माफ नहीं किया। वो जब इंसाफ करने पे आएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर उसके लिए यहां कोई जगह नहीं होगी। वो फिक्र मत करो, ऐसा बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। अल्लाह ना करे। अम्मा वो थोड़े पैसे दे दो, बाइक में पेट्रोल डलवाना है। बाइक कहाँ से आई तेरे पास? वो दोस्त से उधार लिए बाइक। हाँ लिए, पर क्यों लिए? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जो तूने बाइक ले ली? करता क्या फिर रहे तू? देख माँ,
तुमने पैसे देने हैं तो दो, फजूल की बातें मत करो। पहले मेरा मीटर घुमा हुआ है। ये ले मर, पर याद रख पैसों का दरख्त नहीं लगा मेरे पास, बस यही पैसे हैं, संभाल के खर्च कर। देख अम्मा, मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, बख्श दे मुझे। जब देखो चिक 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 करती रहती हो तुम। शाम से ये रानी क्यों रोई जा रही है? पता नहीं क्या हुआ है सुखी, क्यों रो जा रही है ये इतना? पता नहीं बीबी जी, सुबह से ही बेचैन है, लगता है इसको दर्द हो रही है। कहीं से बुखार तो नहीं है? पता नहीं बीबी जी। बिलाल इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। लाओ मुझे तो। हम डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखो। बीबी जी मैं पैसे आप। अरे अरे रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे, तुम ख्याल रखो बस। चलो मेरे मौला, मेरी दी का ख्याल रखना, मेरी दी की हिफाजत फरमा मौला। नीलम आज मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, कुछ पेंडिंग वर्क है वो खत्म। क्या बात है तुम्हारी, तबीयत तो ठीक है? पता नहीं मुझे मतली से हो रही है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मुझसे हिला नहीं जा रहा। मलिया मलिया इसे हॉस्पिटल लेके चलना, तुम उठाऊ मैं गाड़ी निकालता हूँ। ये इतने सारे टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? पता नहीं, देखते। सुखी तो बहुत परेशान हो रही होगी। हाँ कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करे। एक मिनट रुकिए, सुने मलिया, क्या हुआ? अमार वो कुछ नहीं। तुम यहाँ बैठो, इनका ख्याल रखना, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। अरे मलिहा मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? प्रेग्नेंट हूँ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।